अब नेक्स्ट देखिए कि हमने अभी तक जो प्रेशर के लिए, जो चेंज के लिए जो एक्सप्रेशन था वो हमने फाइंड आउट किया, ओके। और हमने प्रेशर को इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल लिया था, और टेम्परेचर और वॉल्यूम को हमने क्या लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, ओके। फिर हमने एक तरीके से किसी सिस्टम को क्या है, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, उसकी हेल्प से हमने उसको एक्सप्लेन किया, ओके। सो अब हम क्या करेंगे कि जो आपका वॉल्यूम है उसको डिपेंडेंट अगर हम ले लें देन क्या होगा, ओके। सो सेकंड जो एक तरीके से केस था इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए, ओके, वो क्या पॉसिबल हो सकता है कि वी जो है वो अगर आपका फंक्शन हो प्रेशर और टेम्परेचर का, देन सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे कि अगर डेरिवेटिव कर देता हूँ, एग्जैक्ट डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव करो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इनटू डी पी प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही तो आएगा एक्सप्रेशन। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी थी, हमारे पास था कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, और कुछ इस तरीके से, ओके, उसका वैल्यू था हमारे पास -ET, ओके। अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय V डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T कॉन्स्टेंट प्रेशर, कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशन था। अब हमें देखिए डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T ये वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, अल्फा इंटू वी, ओके। अब देखिए अब फाइंड आउट करना डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, अब यहां से इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे देन मिल सकता है ना वैल्यू हमें, देन देखिए सो यहां से अगर हम चेक करें तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी टी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे देन इन्वर्ट करेंगे तो वी डिवाइडेड बाय ई टी, ओके। और यहां से आप इसको लिख सकते हो माइनस इंटू बी टी इंटू वी, कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, बिकॉज ये आपका कंप्रेसिबिलिटी है बीटा, ओके। और जो ये ई टी है ये आपका क्या था, इलास्टिसिटी, और आइसोथर्मल था दोनों ही, ओके। सो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिप्लेस करना है, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सो जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है वॉल्यूम का वो किसके इक्वल है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी कितना आया, माइनस बीटा टी वी, ओके, इंटू डी पी। अब देखिए प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना आया, देखिए अल्फा इंटू वी, सो अल्फा वी इंटू डी टी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, v का डिवाइड कर दो इसमें, डी वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, देखिए माइनस बीटा टी इंटू डी पी प्लस एल्फा इंटू डी टी। सो ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका जो एग्जैक्ट इक्वेशन था, जैसे हमने चेंज इन प्रेशर के लिए जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था, सेम उसी तरीके का ये एक्सप्रेशन है, किसके लिए, चेंज इन वॉल्यूम के लिए। अब देखिए यहां से हमने पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं, पहले हमने डिस्कस किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे हो सकता है, आइसोचोरिक प्रोसेस कैसे हो सकता है, बट हमने आइसोबैरिक प्रोसेस को वहां डिस्कस नहीं किया था। सो यहां हम कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो, टेम्परेचर चेंज दिया हुआ हो, या जो भी क्वांटिटी है पिछले वाले रिलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट सिर्फ वहां पर क्या है, हम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए नहीं चेक कर सकते थे। सो अब यहां पर चेक करते हैं वो केस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए इसमें क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 होता है इस केस में, प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट रहता है। यहां पर देखिए प्रेशर का ये टर्म है यहां पर, ये 0 होगा, देन ये पूरा टर्म आपका 0, इट मीन्स डेल्टा वी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी का इधर मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, अल्फा इंटू वी इंटू डी टी, ओके। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, देखिए
यहां से आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है, सपोज वी टू माइनस वी वन है, वी टू माइनस वी वन है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहां से हो जाएगा अल्फा वी इंटू टी टू माइनस टी वन। ओके, सो इस तरीके से वॉल्यूम चेंज आप फाइंड आउट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज। ओके, जब आपका क्या है, प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। सो ये एक तरीके से इसका इंपॉर्टेंट एक तरीके से रिजल्ट आता है, स्पेशल केस बोल सकते हो उसका। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या है, जो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा जब आप क्या है वॉल्यूम को एक डिपेंडेंट क्वांटिटी लेके चलते हो। ओके, सो इस तरीके से हम क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। ओके, एक चीज यहां पर नोट कीजिएगा कि जो अल्फा और जो बीटा है वो वैल्यू आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वॉल्यूम। ओके, सो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, आप इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस को भी डिस्कस कर सकते हो, वैसे हम कर चुके हैं, बट आइसोथर्मल क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए यहां से क्या रिलेशन मिल जाएगा कि डीवी इज इक्वल टू कितना है, वी से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आपका जीरो है, इट मीन्स क्या है, वी नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाई, यहां पर आपका रेसिप्रोकल करोगे बीटा का, देन क्या आएगा, ई टी इंटू डी पी। ओके, और हमें क्या है, सेम ही तो रिलेशन मिला था, जैसे इसको करो, पी को आप बाहर निकालो, पी इज इक्वल टू कितना आ जाता था, माइनस ई टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी, यही तो रिलेशन आया था जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इट मीन्स आप किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, चाहे आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट हो या फिर प्रेशर डिपेंडेंट हो या टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, हमें तीन ही जो प्रोसेसेस हैं वो डिस्कस करनी होती है। ओके, सो तीनों है वो हमने क्या है डिस्कस कर ली। अब चाहे आप किसी भी मेथड से या किसी भी क्वांटिटी को डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करके निकालो, आपका जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा सेम मिलेगा। इट मीन्स हमने तीनों निकाली हैं, तो टेम्परेचर के लिए जो केस है, टेम्परेचर को डिपेंडेंट करना, वो करना हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज रिलेशन तो तीनों प्रोसेसेस के लिए हमें सेम ही मिलने वाले हैं। ओके, सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से जो एक तरीके से यूज़ कह सकते हो आप, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसका एक तरीके से डेली लाइफ में या फिर जो भी प्रैक्टिकल यूज़ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज है, वॉल्यूम चेंज है, प्रेशर चेंज है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो जो इक्वेशन थी जो हमने डिराइव की थी उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन करते हैं। सो इसके अंदर दिया गया है हमें ब्लॉक दिया गया है मेटल का। ओके, उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है वो हमें दिया गया, अल्फा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, बीटा टी जो है, जो आपका एक तरीके से आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होता है, 1.2 × 10⁻⁶ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर दिया गया है। ओके, अब देखिए, बिकॉज इसका यूनिट क्या होता है, पर प्रेशर का यूनिट होता है ना, या फिर बोल सकते हो आप मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, यही तो होता है इसका यूनिट। सो उस तरीके से पर एटम कर दिया उसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक तरीके से चेंज कर दिया एटमोस्फेरिक प्रेशर में। अब देखिए, वॉल्यूम अपने को दिया गया है, इस केस में अपने को दिया गया वॉल्यूम है 5 लीटर वॉल्यूम दिया गया है, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर दिया गया है हमें, तो T1, P1 और V1 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर राइजेस बाई, इतना चेंज आता है टेम्परेचर में। ओके, वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, इतना चेंज आता है, फाइंड आउट द प्रेशर अप्लाइड, इट मीन्स हमें क्या है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने इंक्रीज किया उसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए, अगर हम चेक करें इस इक्वेशन को कंपेयर करके जो हमने अभी डिराइव की थी उस इक्वेशन के साथ, तो वो इक्वेशन है वो हमारी क्या आई थी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका वी आया था, इज इक्वल टू माइनस बीटा टी इंटू डी पी प्लस अल्फा इंटू डी टी, यही तो इक्वेशन आया था हमारा। ओके, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा पी, डेल्टा पी को अलग कीजिए कि डेल्टा पी इज इक्वल टू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करो पहले, या फिर आपको बीटा से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इस टर्म को यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो क्या होगा, डी वी डिवाइडेड बाई वी। ओके,
और यहाँ पर आपका क्या है, बीटा टी सपोज अभी पड़ा है, ये नेगेटिव हो जाता है प्लस अल्फा डी टी है। अब देखिए इस बीटा टी को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं, देन डी पी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए माइनस डी वी डिवाइडेड बाई वी इंटू बीटा टी प्लस अल्फा डी टी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, बीटा टी। अल्फा बीटा का वैल्यू हमें दिया गया है, बट ध्यान दीजिए डिग्री सेल्सियस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, और क्वांटिटीज भी आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री सेल्सियस में होनी चाहिए, ओके। बीटा टी हमको अपर एटमोस्फेरिक प्रेशर में दिया गया है। अगर आप प्रेशर एटमोस्फेयर प्रेशर लेके चलते हो देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका प्रेशर आप लेके चले हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देन आपको सारी यूनिट्स वही रखनी पड़ेगी। सो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कितना होता है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। बट एक काम करते हैं सिंपलिसिटी के लिए, हम इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर ही लेके चलते हैं, ओके। देन यूनिट्स P1 और V1 जो है वो आपका लीटर में दिया गया है, तो V1 इज इक्वल टू कितना कर दो आप, यहाँ से V1 कितना है 5 मीटर क्यूब में चेंज कर दो, और क्या है 5 लीटर है तो 5 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है 1 लीटर। अब इसको मीटर में चेंज करोगे देन क्या है 10th पावर क्या है 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, सो डिवाइड करते ये 10th पावर -3 हो जाता है, ओके। ये आपका मीटर क्यूब में चेंज हो गया, 10^-3 मीटर क्यूब, ओके। अब उसी तरीके से इस वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हो आप, कैसे, सेम वही तरीका 0.5 और यहाँ पे 10^-6 करोगे तो ये आपका मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, ओके। अब ये आपका डेल्टा वी है, चेंज कितना होगा वॉल्यूम में, ये आपका वॉल्यूम हो जाता है, ओके। और टेम्परेचर में चेंज देखिए कितना है, T1 इतना था, ओके, हमने इंक्रीज कर दिया इतने अमाउंट से, टेम्परेचर हमको पता है डेल्टा टी कितना है 12, ओके। अब इस टर्म के अंदर वैल्यू देखिए, डेल्टा वी हमें क्या है पता है, वी हमें क्या है पता है, बीटा टी का वैल्यू दिया गया है, बीटा टी अल्फा का वैल्यू दिया गया है, डी टी हमें बार पता है, बार आ जाता है। सो सारी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे देन आप प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसका जो वैल्यू है वो आपका 416.7 एटमोस्फेरिक प्रेशर आता है, ओके। बट ये तो हमें चेंज पता लगा, अब ये बोल रहा है एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगा रहे वो बताना है। सो P2 - P1 जो है वो आपका डेल्टा P है, जो हमारा कितना है 416.7 ATM। अब यहाँ पर हम P1 जो है वो इनिशियली 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं ना, सो इसको इधर लेके जाएंगे देन जो P2 है वो कितना हो जाएगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, 417.7, इट मीन्स 418 अप्रोक्सीमेटली एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, अप्रोक्सीमेट अगर इसको करता हूँ, ओके। सो कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको मेथड पता है, फॉर्मूला पता है, ओके, और जो यूनिट्स हैं वो आपकी सारी सेम होनी चाहिए, ओके। सिर्फ यही ध्यान रखना होता है, कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ओके। अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट की हेल्प से कितना प्रेशर चेंज होगा, कितना वॉल्यूम चेंज होगा, कितना आपका टेम्परेचर चेंज होगा, ओके, वो हमने फाइंड आउट किया कि अगर आपको जो एक्सपेंसिविटी है और जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है उसका वैल्यू अगर आपको दिया जाए और टेम्परेचर और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो दिया जाए तो उनकी हेल्प से वो क्वांटिटीज आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। अब देखिए अगर हमें ओनली वैल्यू दिया जाए एक्सपेंसिविटी का और जो आपका आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है उसका, देन हम ना सिर्फ उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें बल्कि हम जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी हेल्प से, ओके। सो इसके लिए हम क्या है, समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स का यूज़ करेंगे, समझने के लिए कि कैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक्सप्रेशन दिया जाए जो आपका एक्सपेंसिविटी है या फिर जो आइसोथर्मल एक तरीके से आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है उनका इन टर्म्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम उस टर्म्स में वैल्यू होना चाहिए, ओके। सो वो प्रॉब्लम है वो करते हैं। सो इसमें फर्स्ट कंसिडर करते हैं कि सपोज हमारा जो बीटा टी है कंप्रेसिबिलिटी है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाई वी के, ओके। उसी तरीके से जो आपका अल्फा है वो सपोज किसके इक्वल है, 2BT डिवाइडेड बाई वी के, ये दो क्वांटिटीज हो जाती हैं। अब देखिए अब
हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या आया था कि डी वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू माइनस बीटा टी इंटू डी पी ओके प्लस एल्फा डी टी, यही तो इक्वेशन आया था। अब देखिए जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है आपको, सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू माइनस बीटा, बीटा की जगह वैल्यू पुट कीजिए माइनस ए डिवाइडेड बाई वी इंटू डी पी प्लस एल्फा का वैल्यू पुट कीजिए टू बी टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ से v आपका कैंसिल हो रहा है तीनों साइड, सो यहाँ से क्या बच गया, dv इज इक्वल टू माइनस ए डी पी प्लस टू बी टी डी टी। अब देखिए अब आपको सिर्फ इंटीग्रल करना है इसका ओके दोनों साइड, यहाँ से क्या मिलेगा v इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा आपको माइनस ए और p माइनस ए पी। अब देखिए इसका करूँगा देन t डी टी है इट मीन्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल इट मीन्स ये आपका हो जाता है प्लस बी टी स्क्वायर ओके। सो अगर इसको इस साइड लेके चलें देन v प्लस ए पी माइनस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट भी आएगा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, सो यहाँ पर अपन कॉन्स्टेंट लिख देते हैं। सो ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, कैसे कि कुछ इस तरीके से रिलेटेड है हमारी जो क्वांटिटीज है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, यही तो रिलेशन था कि आपका कोई फंक्शन होगा जिस तरीके से रिलेटेड होंगी आपकी तीनों क्वांटिटीज वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर, और इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगा या फिर कोई जीरो क्वांटिटी होगा, अगर कांस्टेंट को इधर लेके जाओगे तो जीरो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ये हमारा क्या आ जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो जो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था ये इक्वेशन, इससे ना सिर्फ आप जो चेंज इन प्रेशर या चेंज इन टेम्परेचर या जो भी क्वांटिटी आप पीछे हमने अभी फाइंड आउट किए हैं उसके अलावा भी आप जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसका वैल्यू भी एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट किया था सेकंड भी इसी की तरह से करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा ओके। बीटा हम क्या लेके चलते हैं, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है ए टी क्यूब डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, एल्फा जो है वो आ जाता है बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, कुछ इस तरीके से दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन आते हैं। अब यहाँ से जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे देन डी वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू माइनस, बीटा का वैल्यू कितना है माइनस ए टी क्यूब डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी, प्लस यहाँ से एल्फा का वैल्यू कितना आ जाता है बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इंटू डी टी। अब आपको क्या करना होता है, इंटीग्रल को क्वांटिटी कैंसिल हो रही है उसको कीजिए, नहीं हो रही यहाँ पर, सो सिर्फ यहाँ पर क्या करना है इंटीग्रल करना है। अब देखिए डी वी डिवाइडेड बाई वी है इसका क्या हो जाता है एल एन वी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर करना है ओके। सो यहाँ पर आप करोगे तो ये क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है माइनस ए टी क्यूब, इसका करोगे देन देखिए पी माइनस टू है ऊपर लेके जाओगे तो क्या होता है इंटीग्रेट करते हो तो प्लस वन यहाँ ऐड होता है माइनस टू प्लस वन, इट मीन्स ये माइनस वन डिवाइडेड बाई पी माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई पी कुछ इस तरीके से आ जाता है ना, उसी तरीके से प्लस करके इसका इंटीग्रल करोगे देन देखिए क्या आएगा, ये क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है तो बी डिवाइडेड बाई पी बाहर चला जाता है तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री ये आपका यहाँ से निकल के आता है ओके। अब देखिए अब यहाँ से अगर आप देखो तो चेक कीजिए, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि एल एन वी यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट भी आएगा, सुपोज प्लस मेरा क्या आ जाता है सुपोज अपना कोई के वैल्यू आ जाता है सुपोज ओके। अब देखिए यहाँ से अगर आप करोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर सुपोज हम क्या करते हैं दोनों साइड एंटी लोग लेते हैं देन यहाँ से हमारे पास क्या आता है वी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कौन कौन सा टर्म है, यहाँ से आप एक काम कीजिए पहले हम क्या काम करते हैं इसको एल एन वी को थोड़ा सोल्व करते हैं, यहाँ से देखिए ए टी क्यूब डिवाइडेड बाई पी है उसको हम क्या एक बार साइड रखते हैं वन प्लस, यहाँ से वैल्यू कितना रह गया देखिए बी डिवाइडेड बाई ए टी क्यूब डिवाइडेड बाई पी आपका कॉन्स्टेंट आ जाता है थ्री यहाँ पर आ जाता है प्लस में के कुछ इस तरीके से आया ना। अब क्या करो एंटी लोग लो देन हमारे पास क्या है वी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये टर्म एक्सपोनेंशियल में जाएगा ना तो एक्सपोनेंशियल ए टी क्यूब डिवाइडेड बाई पी ओके। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं पूरी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है इसको हम क्या कॉन्स्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, तो जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आएगी हमारी
अगर आप इसको कांस्टेंट को क्या है वी नोट के अंदर एक तरीके से मर्ज कर दो। सो इस तरीके से आपने जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो हमने क्या किया, फाइंड आउट किया दो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए।